हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच दी फॉलोइंग। कॉलम वन में बेटा कुछ कंपाउंड लिखे, कॉलम टू में उनके आईपीएक नेम लिखे, उनको मैच करना है। देखिए बेटा, देखिए बेंजीनिंग के डेरिवेटिव सारे सारे ना, तो हमें पता है कि हमें बेंजीनिंग डेरिवेटिव है और एक ही कार्बन से पहले ही कार्बन अटैच होते फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और कार्बोनिक एसिड की फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हमारे एल्डिहाइड वाले से। तो ये बेटा प्रीफिक्स पार्ट में आएगा, जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो नंबरिंग बेटा साठ 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 होगी, 1 2 3 4 5 6। तो एक ही कार्बन है बेटा, तो हमें रिंग को मेन चेन में कंसिडर करना पड़ेगा। और जब मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और वो मेन चेन में नहीं आता, तो उसका पूरा नाम आता है बेटा स्पेशल सफिक्स यूज होता है, कार्बोनिक एसिड। और ये मेरा प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, तो इसका वर्ड यूज करेंगे हम फॉर्माइल। तो सेकंड नंबर बेटा फॉर्माइल है और छह मेंबर रिंग है बेटा। तो देखिए टू फॉर्माइल लिखाना जरूरी है, तो यहाँ लिखा हुआ है टू फॉर्माइल। बेंजीन है, कार्बोजोलिक एसिड, पूरा स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं बेटा कार्बोजोलिक एसिड। तो ए का क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ हो गए आउट। इसमें देखो बेटा, तो इसमें दो कार्बन आइटम आ गए, तो नंबरिंग यहाँ स्टार्ट हो जाएगी 1 2। और ये मेरी बेंजीन रिंग अब कैसे काम करेगी, एज ए सब्सटेंट काम करेगी। तो फिनाइल बोलेंगे बेटा, टू पे फिनाइल लगा हुआ है, पर टू पे फिनाइल है, उसी फिनाइल के अंदर एक सब्सटेंट और है बेटा, वो है हमारा CHO, वो है फॉर्माइल, है ना। तो आइए चेक करते हैं, सेकंड पे मेरी फिनाइल होनी चाहिए और सेकंड के अंदर भी मेरा जो वन डैश टू डैश लेता हूँ, सेकंड डैश पे मेरा कार क्या है बेटा, फॉर्माइल प्रेजेंट है। टू के अंदर सेकंड नंबर पे फॉर्माइल है और फिनाइल है ना, फिनाइल के अंदर, फिनाइल के सेकंड कार्बन पे बेटा फॉर्माइल है। और इथेनोइक एसिड क्यों बोल रहे हैं कि दो कार्बन आइटम है, तो इसके लिए इथ वर्ड यूज करेंगे, बिल्कुल सही है बेटा, बी का आ रहा है, ठीक है। इसमें चेक करो बेटा, तो ये 1 2 3 हो जाएगा, इसके पहले और दूसरे का कार्बन पे बेटा पे CH2 CHO है, इसका मतलब मेन चेन के अंदर प्रोप वर्ड आना चाहिए। और क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड लिखेंगे मेन चेन के अंदर ना। तो प्रोपेनोइक एसिड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्रोपेनोइक एसिड। अब जिसमें चेक कर लो, इसके थर्ड कार्बन पे फिनाइल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, और फिनाइल के सेकंड पर मेरा CH2 CHO है, तो सेकंड के और सेकंड के भी सेकंड पर मेरा क्या है, CHO है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ओक्जो। और तू दो कार्बन है तो इथाइल यूज करेंगे, तो मतलब सी का पी आएगा बेटा कन्फर्म, है ना। तो 3 2 2 ऑक्जो इथाइल फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें चेक करो बेटा 1 2, तो इसका मतलब हो गया इथेनोइक एसिड आएगा, कन्फर्म है। और इसके सेकंड पे टेस्ट है, इसके सेकंड कार्बन पे बेटा मेरा ग्रुप अटैच है, तीन कार्बन इसमें प्रोपाइल वर्ड यूज करेंगे, और इसके भी तीसरे कार्बन पे बेटा मेरा क्या है CHO, तो उसके ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे। तो देखो बेटा, सेकंड पे मेरा प्रोफिनाइल, उसके सेकंड पे बेटा मेरा प्रोप क्या है यहाँ पर, और थर्ड पे मेरा टोटल सेकंड पे प्रोपाइल और थर्ड पे उसको प्रोपाइल के थर्ड पे मेरा ऑक्सो है। तो इस तरीके से नंबर लिखनी होती है, जो सबसे पहले लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिनाइल को, सेकंड नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको प्रोपाइल को, और ये थर्ड नंबर ऑक्सो को। टोटल क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, मेरा डी का क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।